गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर नेक्स्ट लेक्चर का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप पढ़ोगे डिफरेंस पढ़ोगे फाइल प्रोसैसिंग तो डाटाबेस मैनेजमेंट की डिफरेंस होंगे। ठीक है, फाइल प्रोसैसिंग की होंगे जो पी सी तो आप कोई भी समॉल सिस्टम तो आप काम करते हैं आप फाइल प्रोसैसिंग की फाइल सिस्टम तो आप कोई भी छोटी छोटी फाइल्स बना के सेव करने सिस्टम कहोगे फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम वो किस टाइप ना अपने फाइल्स में सेव करते हैं। तो डाटाबेस की होंगे कि जो कि कहें सारे की कहें मेन फ्रेम हों आप कहते आप टेबल्स बना के रख सकते हो लार्ज सिस्टम से यूज करते हैं जो मेनली ओरेकल सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। तो अगला कि इट इज़ वेरी चीप, मतलब ये बहुत चीप चीप हों मतलब कि कहें ये बहुत महंगा सस्ता आप खरीद सकते एक्सपेंसिव हों आप जल्दी खरीद नहीं सकते सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ये कि सपोर्ट करते सिंगल यूजर सिस्टम, मतलब कि एक सिस्टम से ही काम करते इन्हें आप मल्टीपल सिस्टम से यूज़ करना पैदा है कि मल्टीपल सिस्टम से आप सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते। ठीक है, ये कि कहते डाटा एक्सेस डिफिकल्ट, डाटा एक्सेस करना तो डिफिकल्ट हो सकता है फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम के तो एक कहें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा कि कहते एक्सेस करना बहुत ईजी है। तो डाटा आप कहते आइसोलेट डाटा कहते कलैक्ट करके दे आप इंटीग्रेट करके रखते कि सिक्योर लगे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बना के रखते हैं। ठीक है, नो एनी टाइप ऑफ कहते फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम आप कोई कहते सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अपने की कहते सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पैंती अपने डाटाबेस मै टेबल्स में। ट्रांजैक्शन कंसैप्ट इज यूज इसे ट्रांजैक्शन आप यूज कर सकते फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन कंसैप्ट यूज होता बट की कहते इंपोर्टेंस एस्पैक्ट्स कोई की कहते कोई भी कोई इंपोर्टेंट चीज़ें आप कहते ट्रांजैक्शन यूज कर सकते कोई भी आप डाटा ट्रांजैक्शन करना डाटा शेयरिंग पॉसिबल है आप डाटा शेयर नहीं कर सकते डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप डाटाबेस में शेयर कर सकते। अगला है डाटाबेस स्ट्रक्चर कि डाटाबेस का अपना स्ट्रक्चर किस टाइप का होंगे कि आप डाटाबेस बनाते हैं आप किस टाइप डायग्राम से कि शो करते हैं। ठीक है, नैक्सट स्लाइड साड़ी यही है तो पहला साडा है स्ट्रक्चर डाटाबेस में आप कि स्टोर करते हैं। पहला साडा कोलम की होंगे कि नेम ऑफ यूजर्स किस टाइप का नेम होंगे यूजर का नेम की हो सकता है कि टैली की कहते किस टाइप का नेम है किस टाइप के यूजर्स है। ठीक है, एप्लीकेंट प्रोग्राम की एप्लीकेशन आप सॉफ्ट यूज करने प्रोग्राम सोफिस्टिकेटेड यूजर्स मतलब कहते उन्होंने कि क्वेरीज लानी वो यूजर्स यूज करने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेट की जो डाटाबेस स्कीम कहते सिस्टम कंट्रोल करके रखते हैं। तो पहले है कि पहला अपना है नेवी यूजर्स मतलब कि जो पहला कि कितने जाते एप्लीकेशन इंटरफेस कि किस तरह का इंटरफेस आप यूज करोगे एप्लीकेशन के। ठीक है, फिर अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम कोड कि आप एप्लीकेशन के प्रोग्राम आप कोड में यूज करना फिर उन्होंने कितने जाना से क्वेरी एवेलेशन क्वेरी एलिवेशन मतलब कि कहते ये वाले स्टेज जाकर क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट केड़ी होनी है कि ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन भी मैनेजर दी किस टाइप की क्वेरी लगती भी। ठीक है, साडा सेकंड नेम है एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन तो आप काम करते हुए किस टाइप का प्रोग्राम यूज करना कि ये आप डीमी डाटा मोडिफाइड लैंग्वेज यूज करते कि डी डी एल लैंगुएज यूज करनी कि कनैक्ट करनी पर डी एम एल कंपाइलर है कंपाइलर फिर अपना कि कनैक्ट होगा क्वेरी इवेल्यूशन फिर यही सारे स्टेजेस इदा परफॉर्म करने फाइल मैनेज फिर कहने अपने कितने जाने क्वेरी इवेल्यूशन इंजन से जाना फिर बफर मैनेजर्स से जाने बफर मैनेजमेंट जाने कि किस टाइप का काम होंगे पे फिर ने कितने जाने फाइल मैनेजर के अपने फाइल में मैनेज करके रख लगा थोड़ी एक क्वेरी कि आप क्वेरी लेंगे कि डी डी एल लेंगे डी 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 एम एल डी सी एल लेंगे वो क्वेरी आप कंपाइल करनी वो कितने जानी अपनी क्वेरी इवेल्यूशन इंजन से फिर आप बफर मैनेजमेंट मैनेजर से जाना फिर बफर मैनेजर फाइल मैनेजमेंट मैनेजर से जाकर फाइल मैनेजर किस टाइप की फाइल आप बनाई हो कितने जाने साड़ी की कहते जो साडे कहते इंडैक्सिस बने स्टैटिक डाटा बने जाके सेव होनी है। साडा अगला है कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव की होंगे आ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की जी कि कहते कोई भी साड़ी की कहते वैबसाइट में एंटर करते किस टाइप का डाटा किस टाइप की एंट्रीज होंगे उन्होंने कहते डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन अगला है कि डाटा जाना डाटा स्कीम किस टाइप आप स्कीम यूज करनी है कि नैक्सट आप पूछ के जाना डी डी एल इंटरप्रेटर मतलब किस टाइप की क्वेरीज यूज की है कि कमांड्स ला के कि आप कोडिंग करके वो काम किया फिर वो कितने जाना डाटा डिक्शनरी से ये अपना की होंगे ये साडा स्ट्रक्चर डाटाबेस का स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, नैक्सट कहते कॉम्पोनेंट्स की होंगे डीबी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आप डीमेल प्री कंपाइलर यूज करते डीमेल मतलब कि
कि डाटा मोडिफाई लैंग्वेज, मतलब कि डाटा अपन किदा मोडिफाई करना है, कि किस टाइप का डाटा साढ़े कहते हैं वो काम होता है। DDL इंटरप्रेटर की होंगे कि डाटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स, कि किस टाइप के डाटा डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं उन्होंने कहते हैं डाटा DDL इंटरफेस। फाइल मैनेजर मतलब की होंगे, फाइल मैनेजर मतलब कि जी फाइल मैं बनाई है पर किस टाइप सारी फाइल है किस टाइप ने अपन मैनेज करके रखा, किस टाइप ने स्टोर करके रखना उन्होंने कहते हैं फाइल मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट अपना है डाटा मैनेजर। नेक्स्ट अपना क्या डाटा मैनेजर हो गया। डाटा मैनेजर की होंगे कि जो अपने के कोई भी डाटा बेस होगा उन्होंने क्या कहते हैं किस टाइप का स्टोर करके किस टाइप का डाटा आंदा उन्होंने पता होगा डाटा मैनेजर। क्वेरी प्रोसैसर की होंगे कि किस टाइप के उत्ते अपनी क्वेरी लगती पई है डाटा बेस में, कि कंडीशन लगने पर कहते हैं डाटा प्रोसैसर। ठीक है, अगला है DBA। DBA मतलब कि डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का की काम होंगे कि किस किदा आप किदा वैबसाइट में डाटाबेस में हैंडल करना उन्होंने कहोगे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा डिक्शनरी की होंगी कि उस सिस्टम में कि हर एक पार्ट में किस तरह का काम होंगे पाया तो किस तरह का डाटा आता पे उन्होंने आप कहते हैं डाटा डिक्शनरी। स्टोरेज मैनेजमेंट की होंगे कि कोई भी आपका काम किया उन्होंने किस टाइप ने स्टोर करके रखना, कि MB अपन स्टोर करना, किदा अपडेट करना या किदा रिट्रीव करना किदा डिलीट करना उन्होंने कहते हैं स्टोरेज मैनेजर। नेक्स्ट है बफर मैनेजर। बफर मैनेजर की होंगे कोई कहते कोई भी काम करना ब्लॉक्स में कि उस एरर नहीं आता उन्होंने मैनेज करना, कि एरर कि रिमूव करना उन्होंने आप कहते बफर मैनेजर। बफर मैनेजर आप एरर से रिमूव कर दे। अगर है डाटाबेस यूजर। डाटाबेस यूजर्स की होंगे है कि कोई भी आप डाटाबेस से काम करना कि किस टाइप के यूजर्स ने किदा काम किया उन्होंने कहते डाटाबेस यूजर्स। अगला है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डिफाइन डिटेल से पढ़ हुए होंगे की है। ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होंगे तुम्हें पता है कि जो अपनी वैबसाइट्स में हैंडल करते हैं जब देखना कि किस टाइप का डेटा आता पे उन्होंने सिक्योरिटी ला के रखनी उन्होंने कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन्हें की रिस्पोंसिबिलिटी होंगी उन्हें की स्कीमा डेफिनेट कि किस टाइप की स्कीम आती उन्होंने किदा डिफाइन करना वो कि रिस्पोंसिबिलिटी होंगी DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। परफॉर्मेंस एंड मोनिटरिंग एंड ट्रेनिंग कि किस टाइप का मोनिटर परफॉर्म करता है परफॉर्मेंस उसकी किदा की सही फास्ट काम करता है कि स्लो काम करता है वो भी कौन देखता DBA। अगर स्कीम एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मोडिफिकेशन कोई भी अपनी स्कीम है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन से काम करता उन्होंने किदा मोडिफाई करना की चीज़ें ऐड करनी है टेबल्स वो कौन देखता DBA मतलब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगे अपना है ग्रांटिंग ऑफ ऑथरीकेशन ऑफ डाटा असैस मतलब कि कोई भी सूँ ग्रांट मिल जाए कि अथॉरिटी मिल जाए कि आप डाटा असैस कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट अवेलेबिलिटी बैकअप है रिकवरी कि सू किस टाइप का डाटा अवेलेबल होंगे भी और डाटा का आप बैकअप लैते डुप्लीकेट फाइल बना के बैकअप लिया कि नहीं लिया रिकवरी मतलब डाटा रिकवर किया कि नहीं तो अपने के डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंटीग्रेटिड कंस्ट्रेंट स्पेसीफिकेशन का मतलब कि होंगे कि आप उस किस टाइप की प्रोग्राम्स लाए किस टाइप के आप कहते सिक्योरिटी ला के उन्होंने परफॉर्म किया उन्होंने वो कहते डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अगर यूजर एंड डाटा सिक्योरिटी किस टाइप का यूजर है तो उन्हें डाटा किस टाइप की सिक्योरिटी लाई है वो भी आप डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही देखता है। अगर डाटा इंडिपेंडेंस कि जो आप डाटाबेस में की इंडिपेंडेंस जो यूज हो की लॉजिकल लैके उन्होंने डिफाइन करने उन्होंने आप कहते डाटा एडमि इंडिपेंडेंस किन्ने टाइप का होंगे फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की होंगे कि आप कहते कि स्टेजिस से काम करना कि किन्ने स्टेप से काम करना उन्होंने आप कहते फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कि कहते कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से काम करके उन्हें अपना डेटाबेस में सेव करना। लॉजिकल इंडिपेंडेंस मतलब कि कोई भी डाटाबेस बनाया होगा और की लॉजिक लगना कि आप कंडीशन लगाने उन्होंने आप कहोगे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और एडवांटेजेस की है रिडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी कैन बी कि रिडंडेंसी मतलब कोई भी आप काम करते उन्हें रिमूव करना बैटर सर्विसिज देंगे यूजर्स में कि फ्लैक्सीबल सिस्टम्स है सिस्टम भी सब वधिया होंगे जो तो आप काम कर सकी है। कोस्ट ऑफ डिवेलपर जी कोस्ट है मेनटेन करके रख सकते हैं स्टैंडर्ड आप बढ़ा सकते सिक्योरिटी सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं इंटीग्रिटी इंप्रूव होंगी है। ठीक है, अगला है यदि किन्ने लैवल्स होंगे डाटाबेस के 3 लैवल्स होंगे। ठीक है, पहला कहते पहला डाटा अबस्ट्रैक्शन डाटा अबस्ट्रैक्शन की होंगे डाटाबेस एब्सट्रैक्शन के पर कोई भी डाटाबेस से काम किया तो उन्होंने आप एक्सट्रैक्ट करना किसी भी दूसरे फोल्डर से कहोगे डाटा एब्सट्रैक्शन ये किन्ने से पहला होंगे ये 3 लैवल्स होंगे पहले एक्सटर्नल फिर कंसैप्चुअल व्यू तो इंटरनल व्यू। पहले इन्हें इंटर एक्सटर्नल काम करना एक्सटर्नल स्कीम यूजर 1, 2 एंड 3 तो सोन एन ये कितने जाओगे अपने मैपिंग सपोर्टेड डाटाबेस में जाओगे डाटाबेस मतलब कंसैप्चुअल स्कीमा में जाने कि किस तरह आप स्कीमा का कंसैप्ट लाना है। ठीक है, वो देखिए फिर नेक्स्ट वो देख देखने इंटरनल स्कीमा इंटरनल आप कम होंगे स्कीमा कि कोडिंग लगती कि नहीं वो आप इंटरनल स्कीमा में देखते हैं ये साढ़े लेयर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਨ ਈਜ਼ਲੀ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੈਵਲਸ। ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲਸ। ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ। ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਪਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਪਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਟਸ ਜਾਂ ਬਾਈਟਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ। ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲਸ। ਐਕਸਟਰਨਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੈਵਲ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵਿਊ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵਿਊ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵਿਊ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਸੈਲਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਇੰਟੀਜਰ 'ਚ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰ 1, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰ 2। ਯੂਜ਼ਰ 2 ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰਨਲ ਵਿਊ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਪਿੰਗ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਲੈਕਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।